दोस्तों, कल जब मैंने लिटरेरी मूवमेंट्स की वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को डिस्कस किया था, उस पर आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। दोस्तों, ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। इसमें हम लोग काफ़ी सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। कल जो वीडियो थी वो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैं कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स को डिस्कस नहीं कर पाया जिनको जानना हमें ज़रूरी है। दोस्तों, 20th सेंचुरी की बहुत ज़रूरी लिटरेरी मूवमेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, कुछ काम आ जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 20th सेंचुरी का एक बहुत ही ज़रूरी आर्ट मूवमेंट था डाडा, या फिर डाडाइज्म। इसकी शुरुआत हुई थी स्विट्ज़रलैंड से, और फिर ये US और फ्रांस में भी फैला, और यूरोप के बहुत सारे इलाकों में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उसके अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। इसमें आर्टिस्ट ने लॉजिक, रीज़न और एस्थेटिसिज्म को रिजेक्ट किया मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, और ये नॉनसेंस और इरेशनल बातों को एक्सप्रेस करते थे। दोस्तों, ध्यान देना, डाडा ये जो मूवमेंट था इसमें आर्टिस्ट नॉनसेंस और इरेशनल बातों को एक्सप्रेस करते थे। बाद में जाकर इसने इंस्पायर किया था दोस्तों अपसर्ड लिटरेचर को, अपसर्ड फिक्शन को। तो ये नॉनसेंस और इरेशनल बातों को क्यों एक्सप्रेस करते थे? क्योंकि ये लोग वायलेंस, वॉर और नेशनलिज्म से नाराज़ थे, और ये सबकी पॉलिटिकल इक्वलिटी चाहते थे। ये लोग मेनली प्रोटेस्ट कर रहे थे नेशनलिज्म और कॉलोनियल इंटरेस्ट जो थे उनके अगेंस्ट, क्योंकि ये लोग मानते थे कि यही जड़ें थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। इन्होंने नॉनसेंस और इरेशनल चीज़ों को बढ़ावा दिया। दोस्तों, ये डाडा वर्ड का मतलब होता है यस यस। नेक्स्ट मूवमेंट आता है हार्लेम रेनेसा। ये न्यूयॉर्क सिटी में हार्लेम नाम की जगह पर एक इंटेलेक्चुअल, सोशल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था। इसको न्यू नेग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है, और इसको ये नाम मिला है एलन लॉक के एक वर्क द न्यू नेग्रो से, क्योंकि इस टाइम पर नेग्रो मिडिल क्लास बढ़ रही थी। नेग्रो जो काले लोग होते हैं वो मिडिल क्लास बढ़ रही थी, और ये लोग अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्टिंग देना चाहते थे, और ये लोग हार्लेम आ गए। तो यही इनका घर बन गया, और ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आए थे। तो फिर 1920s में अफ्रीकन अमेरिकन पार्ट्स, नोवलिस्ट और थिंकर्स की वजह से हार्लेम रेनेसा आया। इसमें बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों, जोरा नील और लैंगस्टन ह्यूग्स। फिर 1930s और 1940s के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में भी एक लिटरेरी मूवमेंट आया दोस्तों, जिंडी वॉरोबक मूवमेंट। इसमें जो मेंबर ऑस्ट्रेलियन पार्ट्स थे वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर को यूनिक मानते थे। शुरू में इस मूवमेंट का एम था फ्री ऑस्ट्रेलियन आर्ट का, और इससे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट, पोएट्स और राइटर्स को मदद मिली। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी मूवमेंट, सरियलिज्म। ये एक फ्रेंच मूवमेंट था सरियलिज्म। इसमें मेनली विजुअल आर्ट वर्क पर फोकस किया गया, जैसे पेंटिंग्स वगैरह और राइटिंग पर। इसमें आर्टिस्ट अजीब अजीब की इलॉजिकल पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे, डेली ऑब्जेक्ट से स्ट्रेंज क्रीचर्स बनाते थे। कुछ इस टाइप की पेंटिंग्स आपने देखी होगी, बहुत अजीब अजीब टाइप की पेंटिंग्स बनती थी। और ये सरियलिज्म डेवलप हुआ आउट ऑफ डाडा एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये जो डाडा मूवमेंट था इसने सरियलिज्म को भी डेवलप करने में मदद की। और दोस्तों, इस मूवमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर था पेरिस, और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया, विजुअल आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूज़िक में, अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सरियलिज्म फैल गया। और दोस्तों, मानना तो इनका भी वही था कि ये लॉजिकल और रैशनल बातें ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कारण बनी है। ऐसे में दोस्तों, 12 अमेरिकन राइटर्स, पोएट्स, एसेस्ट और नोवलिस्ट का एक ग्रुप था सदर्न एग्रेरियंस, क्योंकि ये साउथ यूनाइटेड स्टेट्स से थे, और इनमें दोस्तों जॉन क्रो रैंसम भी शामिल थे, अनऑफिशियल लीडर थे इस ग्रुप के। और ये इस बात से ऑफेंडेड थे एग्रेरियन ग्रुप के मेम्बर्स कि H.L. मैंकिन ने इस सदर्न कल्चर पर अटैक किया है, तो इन्होंने इस कल्चर को वैल्यू दी, और जॉन क्रो रैंसम को इनका लीडर माना जाता है। रॉबर्ट प्रैन वॉरन भी इसमें शामिल थे दोस्तों। अब आता है दोस्तों अपसर्डिज्म, या फिर अपसर्ड फिक्शन, यानी कि बेतुका वर्क लिखना, नोवल, प्ले, पोएम या फिर फिल्म, जिसमें कैरेक्टर्स की लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। इसमें मीनिंगलेस एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इस टाइप के वर्क्स में सटायर, डार्क ह्यूमर, एब्सेंस ऑफ रीजंस वगैरह होते हैं। और मॉडर्न लिटरेचर में ये अपसर्ड लिटरेचर लिखना बड़ा डायरेक्टली दोस्तों ये अपोजिट था विक्टोरियन लिटरेचर के।
और ये मूवमेंट दोस्तों डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था डाडा और सरियलिस्ट आर्ट मूवमेंट से। ये दोनों मूवमेंट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस था अब्सर्डिज्म। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी मूवमेंट्स हैं दोस्तों, नोट कर लेना इनको। और ये अब्सर्ड लिटरेचर में लिखने वाले कुछ फेमस राइटर्स के नाम थे एडवर्ड एल्बी, सैमुअल बेकेट, जीन जेनेट, फ्रेंच काफ्का और हैरोल्ड पिंटर। ऐसे में 20th सेंचुरी की अमेरिकन पोस्ट मॉडर्न पोएट्स का एक ग्रुप था दोस्तों, जिनको बोला जाता था ब्लैक माउंटेन पोएट्स। और इन पोएट्स को दोस्तों प्रोजेक्टिव पोएट्स भी बोला जाता है। ये ग्रुप था जिन्होंने बाद में अमेरिकन पोएट्री को बहुत इन्फ्लुएंस किया और दोस्तों इनोवेटिव ब्रिटिश पोएट्री को भी 1960s में जो लिखी गई उसको भी इन्फ्लुएंस किया। 1961 से 1965 के बीच में कोलकाता में एक मूवमेंट आया था दोस्तों, हंगरी जनरेशन मूवमेंट। इन्होंने ये जो हंगरी वर्ड लिया था ये जियोफ्री चौसर की लाइन एनसार हंगरी टाइम से लिया था दोस्तों। शक्ति चट्टोपाध्याय इस मूवमेंट में बहुत बड़ा नाम है और एम रॉय चौधरी। ऐसे ही दोस्तों 1969 में बंगाली लिटरेचर में प्रकल्पना मूवमेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक और मूवमेंट आया था दोस्तों बीट जनरेशन्स का मूवमेंट, जिसने अमेरिकन कल्चर और पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया था और इनको बोला जाता था बीट पार्ट्स। ये अमेरिकन और ईस्टर्न रिलीजन्स को एक्सप्लोर करते थे, इकोनॉमिक मटेरियलिज्म को ये रिजेक्ट करते थे। एलन गिन्सबर्ग इसमें मेन फिगर है दोस्तों। और फिर लेट 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के बीच में दोस्तों कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पोएट्री को और दूसरे वर्क्स को, आज भी होता है, अपनी ऑडियंस को पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, जैसे बोला जाता है स्पोकन वर्ड। आपने सुनी होगी इस टाइप की ओरल पोएट्री जो बोल करके अपनी ऑडियंस को सुनाते हैं। इसी तरह से होती है परफॉर्मेंस पोएट्री, इनको प्रिंट नहीं करवाया जाता बल्कि परफॉर्म करवाया जाता है। इस टर्म को ऑरिजिनेट किया था हेडविग ग्रॉस्की ने। अब दोस्तों पोएट्री लिखने का एक और टाइप सामने आ रहा था जिसको बोला गया कन्फेशनल पोएट्री। US में 1950 से इसकी शुरुआत होती है। कन्फेशनल पोएट्री वो होती है जो कमला दास लिखती थी दोस्तों। इस टाइप की पोएट्री में मेनली फोकस किया जाता है खुद पर, मैं, आई, ये शब्द बहुत बड़ा होता है इसके अंदर। सब कुछ पोएट खुद बताता है अपने बारे में, पोएट पर खुद पर फोकस करती है, लव, सेक्सुअलिटी, सुसाइड, ये सब कुछ अपने बारे में बताता है पोएट। इस टाइप की पोएट्री लिखने में सबसे बड़ा नाम है दोस्तों सिल्विया प्लाथ का, रॉबर्ट लॉवेल और कमला दास, और भी बहुत सारे ऐसे पोएट्स हैं दोस्तों। अब ये कन्फेशनल पोएट्री में प्री वर्ड्स में लिखी जाती थी पोएम्स, मतलब इस टाइम तक राइम और मीटर्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता था, सिर्फ अपने इमोशंस को लिखा जाता था पोएट्री में। नेक्स्ट दोस्तों मिस्टी पोएट्स। 20th सेंचुरी में चाइनीज पोएट्स का एक ग्रुप था, मिस्टी पोएट्स बोला जाता था इनको, जो कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद में, बाद के टाइम में आर्ट पर जो रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन कर रहे थे ये पोएट्स। चाइनीज पोएट्स का एक ग्रुप था ये। ये राइटर्स मेटाफर्स और हर्मेटिक इमेजरी का यूज़ करते थे, तो इनको बोला जाता मिस्टी पोएट्स। लास्ट में मैं बात करूँगा न्यू फॉर्मलिज्म की। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम तक पोएट्री को मीटर्स और राइम में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता था, मतलब ये चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता था। तो न्यू फॉर्मलिज्म नाम का एक मूवमेंट आया 20th और 21st सेंचुरी में अमेरिकन पोएट्री में, और इसमें ये बात कही गई कि एक बार फिर से मेट्रिकल और राइम्ड वर्ड्स की तरफ वापस लौटा जाए, कि ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म्स की तरफ वापस चलो, ट्रेडिशनल पोएट्री की तरफ वापस चलो, क्योंकि कोई भी मतलब मीटर और राइम को फॉलो नहीं कर रहा था, सब फ्री वर्ड्स में लिख रहे थे। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।